कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों वन्य जीवों, पशु पक्षियों और जलचरों का घर है। कभी इंसानों के पालतू जानवरों में हाथी का मुख्य स्थान था। आज विलुप्त हो रही प्रजाति में गिना जाने वाला एशियाई हाथी कतरनिया घाट में संरक्षित और सुरक्षित है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य आपका स्वागत करता है। कतरनिया वन्य जीव अभयारण्य भारत में ऊपरी गंगा के मैदान में एक संरक्षित क्षेत्र है। ये क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के तराई में 400.6 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र में फैला हुआ है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य दुधवा टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। 1975 में स्थापित किए गए इस अभयारण्य का प्रबंधन दुधवा नेशनल पार्क और किशनपुर वन्य जीव अभयारण्य के साथ किया जाता है। सैकड़ों मील फैले कतरनिया घाट वन्य विहार में आपको मखमली घास के मैदान, गहरे दलदल, ऊबड़ खाबड़, छोटे छोटे पहाड़, टापू, गिरवा नदी, साल और सागौन के जंगल देखने को मिलते हैं। चारों ओर ऐसे अनुपम प्राकृतिक दृश्य आपका मन मोह लेंगे। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं, तो यहाँ की यात्रा आपके जीवन की सबसे खूबसूरत अनुभव रहेगी। जहाँ तक भी आपकी नजर जाती है, आपको सुंदरता का एक नया आयाम देखने को मिलेगा। प्रदूषण रहित ये स्वच्छ खुला आसमान अपनी एक अलग ही कहानी कह रहा है। चमकदार नीले आसमान को सफेद बादल मानो और भी अलंकृत कर रहे हैं। इस अभयारण्य में हर मौसम खूबसूरत लगता है। शहरीकरण से अनछुआ ये जंगल अपनी जैव विविधता और वन संपदा के कारण कई राष्ट्रीय उद्यानों से अधिक समृद्ध है। घड़ियाल भारत में मुख्य रूप से गेरुआ और चंबल में ही मिलते हैं। इस गहरी गेरुआ नदी में अजगर, घड़ियाल, मगरमच्छ और सैकड़ों मछलियां हैं। तो मगरमच्छ की इस प्रजाति को देखने के लिए कतरनिया घाट से बेहतर कुछ भी नहीं है। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में सबसे अधिक रोमांच बढ़ाते हैं बाघ। कभी कभी पर्यटक बाघों की दहाड़ सुनकर दिल थाम लेते हैं और कभी कभी घने पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते तेंदुए अचानक कूदकर सामने आ जाते हैं। सफारी का लुत्फ लेने के लिए ये एक बेहतरीन जंगल है। नदी पर पड़ती सूरज की रोशनी, पक्षियों की चहचहाहट, वन्य जीवों की गुर्राती आवाजें, नदी की कलकल, हवा की ये सरसराहट, हर आवाज आपको एक नया अनुभव प्रदान करती है। एशियाई हाथियों के झुंड पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं। जंगल में टूटे गिरे पेड़ और इनके पैरों के निशान कदम कदम पर आपको इनके आसपास होने का एहसास दिलाते हैं। यहाँ आपको सुरखाब, लाल सर के झुंड, सींक पर नील सर, दबारू और बेखुर बत्तख तथा उल्लू की कई प्रजातियां और कई अन्य रंग बिरंगे पक्षी देखने को मिलते हैं। कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य में हजारों की संख्या में हिरण हैं। यहां आपको दुर्लभ एल्बिनो हिरण भी देखने को मिल सकता है। भारत में कुल 9 प्रजातियों के हिरण पाए जाते हैं, जिनमें से आपको कतरनिया घाट में 5 प्रजातियां देखने को मिलती हैं।
कतर्निया संरक्षित वन क्षेत्र स्थित तालाब, झील व नदियों में प्रवास करने वाले पक्षियों की सुरक्षा के लिए सभी रेंजों में वन दारोगा व वन रक्षकों को अलर्ट रखा जाता है। आगे बढ़ते हुए आप ये जो पेड़ देख रहे हैं, इनका भी अपना इतिहास है। गुदगुदी का पेड़ एक अनोखा पेड़ है, जिसकी छाल को गुदगुदी करने पर पत्ते हिलते हुए देखे जा सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोग कतर्निया घाट के सौंदर्य और सैकड़ों प्रजाति के जानवरों को देखने के लिए लगातार यहां आ रहे हैं। ये पर्यटक स्थल के तौर पर अपनी नई पहचान बना रहा है।